लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल सतर्क हो गए। 36 प्रभारियों का ऐलान किया और इन प्रभारियों को कुछ एक टिकट मिलेगा। कौन सी सीट से कौन कौन लड़ेगा, इस 36 मजबूत सीटों के लिए अखिलेश यादव ने क्या प्लान बनाया, बीजेपी में हड़कंप मचा है। आपको बताते चले कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए पहली बार सपा ने लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा प्रदेश में हारी हुई सभी सीटों के लिए विशेष रणनीति अपनाई है, तो समाजवादी पार्टी ने भी 36 चिन्हित है, 36 सीटें एकदम पूरा चिन्हित कर रखी है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर विशेष रणनीति बनाकर तैयारी कर रही है, जिससे इन सीटों पर कमाल किया जा सके। आपको बता दें कि सपा की तरफ से जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको लेकर सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कई सीटों पर प्रभारी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के हिसाब से मजबूत सीटों पर जैसे कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ और बदायूं की सीट पर सैफई परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इन सीटों पर क्रमशः अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप, शिवपाल सिंह और धर्मेंद्र यादव की बात कही जा रही है। अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर जो है, हालांकि सीटों में आपसी अदला बदली हो सकती है, लेकिन इन सीटों के यादव परिवार में ही बंटवारे की बात कही जा रही है। परिवार के अलावा भी पार्टी के कुछ संभावित उम्मीदवार की सीटें लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें, बहुत तगड़ी रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई। सूत्रों के मुताबिक विधायक अवधेश प्रसाद को अयोध्या से समाजवादी पार्टी लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं राम प्रसाद चौधरी की बात करें तो बस्ती से चुनाव लड़ सकते हैं राम प्रसाद चौधरी। इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह को गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। मनोज पांडे की बात करते हैं तो रायबरेली के आसपास की किसी सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही, क्योंकि अशोक पांडे का बहुत अच्छा जनाधार माना जाता है। इसके अलावा भी मुजफ्फरनगर की सीट की बात करें तो हरेंद्र मलिक लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही बलिया से जो कि सनातन पांडे के साथ सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये खबरें आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी चर्चित हस्तियों को भी पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सपा इस बार जहां पूर्व क्रिकेटर को लोकसभा में चुनाव में उतार सकती है, तो भोजपुरी कलाकारों को भी टिकट दे सकती है। मतलब साफ है कि सपा अध्यक्ष इस बार जाने पहचाने चेहरों पर मैदान में उतारना चाहते हैं, ताकि पार्टी को फायदा मिले। उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसे 36 प्रभारियों की घोषणा करने के बाद एक क्लियर माना जा रहा है कि उन सीटों पर जो सपा जो कि 2022 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उम्मीदवार को किस तरह से टिकट बंटवारे को प्रभारी बनाया गया है, अभी से ये टिकट बंटवारा मतलब अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया, नाम चिन्हित कर दिया कि आप तैयारी करिए, इस लोकसभा सीट से आपको चुनाव लड़ना, बिल्कुल कोई भी कोताही अखिलेश यादव बरतने को तैयार नहीं है। खबर अभी आपको बता दूं कि एक तरफ अखिलेश यादव 23 जून को जो एक महागठबंधन की पटकथा लिखने पटना जा रहे हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्माएगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का भी एंट्री हो सकती है उत्तर प्रदेश के सपा गठबंधन में। इस तरह के भी अंदरूनी खबरें बताई जा रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सांसद वो लगातार बोल रहे हैं कि बहन जी को अखिलेश के साथ गठबंधन करना चाहिए। तमाम ऐसी जो खबरें धीरे धीरे निकल रही है, धीरे धीरे आ रही, 2024 जैसे जैसे करीब आएगा, भाजपा के लिए अखिलेश यादव संकट के बादल बनते चले जाएंगे। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।